हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेकंड ईयर एग्ज़ाम से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने हैं और 100 में से 75 मार्क्स का आपको पेपर करना होगा। तो ये भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास और इसकी चुनौतियाँ इस सब्जेक्ट का पार्ट 3 है। पहले दो पार्ट आपको चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि शंकर के अनुसार मूल तत्व डैश है एकमात्र ब्रह्मा। कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट डैश हुई थी तो कब प्रस्तुत हुई थी? वर्ष 1966 में कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी। सामाजिक एकता हेतु डैश का सुझाव कोठारी आयोग का था। कॉमन स्कूल सिस्टम का जो सुझाव था वो कोठारी आयोग द्वारा दिया गया था। स्वायत्त कॉलेज की परिकल्पना शिक्षा नीति डैश में दी गई थी, 1986 में दी गई थी। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति डैश की गई थी, NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के द्वारा। ओके, नवीन शिक्षा नीति में प्रौढ़ शिक्षा को डैश नया नाम दिया गया है। तो प्रौढ़ शिक्षा को नया नाम क्या दिया गया है? सतत शिक्षा। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिक के मूल अधिकार डैश हैं स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। नेक्स्ट देख लीजिए, 59th क्वेश्चन, शिक्षा को संविधान की संवर्ती सूची में डैश शामिल किया गया तो वर्ष 1976 में शिक्षा को संवर्ती सूची में शामिल किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ही इंपॉर्टेंट हैं लेकिन इस टाइप के जो ये डेट वाले क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, 14 वर्ष तक बालकों के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान के डैश में किया गया है तो इसका आंसर नहीं दिया गया, मैं आपको बता देती हूँ इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल, या हिंदी में कहेंगे आप अनुच्छेद 45। ओके, इसमें आएगा आपका आर्टिकल 45। तो ये ध्यान रखना, 60 का आंसर है आपका। यहाँ पे मैं आपको फिर से लिख के बता देती हूँ, अनुच्छेद 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यार्थी संसद के द्वारा डैश विकसित किए जा सकते हैं तो लोकतांत्रिक मूल्य विकसित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? विद्यार्थी संसद के द्वारा। मूल्य संकट का प्रमुख कारण डैश है तो मूल्य संकट का प्रमुख कारण है स्वार्थपरता। शारीरिक रूप से वंचित बालक को डैश कहा जाता है तो विकलांग कहा जाता है। राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण डैश में किया गया, वर्ष 1961 में किया गया। NCTE डैश के सुधार से संबंधित है, शिक्षक परीक्षा के सुधार से संबंधित है। NCTE एक्ट संसद में डैश पारित हुआ तो वर्ष 1993 में पारित हुआ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना वर्ष डैश में हुई, 1953 में। तो देखिए, जितने भी ईयर्स हैं इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट डैश में प्रस्तुत की गई, 1966 में प्रस्तुत की गई। आगे देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक एकता हेतु डैश का सुझाव कोठारी आयोग का था। कॉमन स्कूल सिस्टम, ये अभी पहले भी आया था ये क्वेश्चन। स्वायत्त कॉलेज की परिकल्पना डैश में दी गई थी तो यह दी गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति डैश में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? NPE 1986 के द्वारा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ओके, शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए डैश को सख्त कानून बनाने चाहिए, किसको बनाने चाहिए? केंद्र सरकार को। सन 1990 के बाद दुनिया में वैश्वीकरण की अवधारणा ने जोर पकड़ा, जिसे डैश भी कहा जाता है, तो जिसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। वैश्वीकरण की अवधारणा का मतलब वैश्वीकरण को और क्या कहा जाता है? ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। भारत में 10+2+3 शिक्षा संरचना को सर्वप्रथम डैश आयोग ने प्रस्तावित किया था तो यह प्रस्तावित किया था डॉक्टर राधाकृष्णन ने। डैश अरविंद का प्रमुख दर्शन था तो आदर्शवाद,
आदर्शवाद अरविंद का प्रमुख दर्शन था। तो ये था हमारा पार्ट 3। पार्ट 4 के लिए आप चैनल पर बने रहें। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कहीं मिस्टेक हुई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।